कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 4 अगस्त को माइक्रोमैक्स का एक लॉन्च इवेंट था जहां पे उन्होंने स्मार्टफोन N2B लॉन्च किया था, एंड उसके साथ साथ दो TWS भी लॉन्च किए थे। वैसे N2B का रिव्यू, फुल रिव्यू भी आ चुका है, वैसे एक इनिशियल इंप्रेशन वाला पहले आया था, फुल रिव्यू भी 2-3 दिन पहले दिया हुआ है, जाके जरूर देखिए उसके बारे में। बहुत अच्छा फोन है, काफी अच्छा लगा मुझे उस प्राइस पे, और उसका फर्स्ट सेल भी आ चुका है। लेकिन उसके साथ दो TWS लॉन्च किए थे, एक था एयर फंक 1 और दूसरा था एयर फंक 1 प्रो। अब दोनों के प्राइसेस काफी तगड़े थे। एयर फंक 1 1300 रुपए में आता था, एंड उसमें कमाल की एक फीचर था, वो वॉइस चेंजिंग टैग जो था ना, कि मेल से फीमेल एंड फीमेल से मेल करने वाला, काफी अच्छा फीचर था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। उसके साथ उन्होंने लॉन्च किया था एयर फंक 1 प्रो, सॉरी मेरे हाथ से गिर रहा है अभी ये वाला, इसके अनबॉक्सिंग आज हम लोग करेंगे। 2500 प्राइस है, 2500। वैसे इसका पहला सेल आने वाला था 18 अगस्त को, बट बाद में कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से इसको पोस्टपोन किया, 1 सितंबर यानी कल, 1 सितंबर यानी कल आपको देखने को इसका फर्स्ट सेल मिल जाएगा। लेना है तो उससे पहले जरूर ये रिव्यू पूरा देखिए, कैसा लगा मुझे TWS 2500 में, क्योंकि चीपेस्ट TWS है ये ANC के साथ 2500 में। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई दे रहा हो ANC इस प्राइस में। तो अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, एंड इसी के बारे में देखेंगे कैसा लगा मुझे, मेरे इनिशियल इंप्रेशन इसके बारे में। सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स में अगर फ्रंट में देखते हो तो आपको TWS का फोटो है, काफी कुछ दिखेगा आपको फ्रंट में। एयर फंक का लोगो है, इनका लोगो है बाय माइक्रोमैक्स। साइड्स में दोनों देखोगे तो एयर फंक 1 प्रो, एयर फंक 1 प्रो लिखा हुआ है। ऊपर साइड में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ स्टिकर्स दिख जाएंगे, नीचे साइड में अगर आप देखोगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसके बारे में, एंड रियर साइड पे जाओगे तो स्पेसिफिकेशन पूरा लिखा हुआ है, क्या क्या स्पेक्स इसके अंदर आते हैं उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं इसमें। करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग जैसे ही करोगे वैसे ही आपको दिखेगा ऊपर एक फोम जैसा, तो मुझे लगा कि शायद वहां पे कुछ पेपर्स होंगे, बट वो एक्चुअली फोम है कुशनिंग के लिए। अंदर आपको सबसे पहले TWS दिख जाता है, उसको बाहर निकालते हो, पहले तो केस है, केस के अंदर आपको TWS दिख जाता है, ब्लैक कलर का TWS है, और उसके ऊपर रेड कलर के उसके टिप्स हैं, जो रबर टिप्स हैं और रेड कलर, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन, काफी कूल लगता है देखने में। एंड देन उसके बाद अंदर जाते हो तो आपको कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, एंड उसके साथ आपको एक टाइप सी केबल मिल जाता है। अच्छी चीज है कि आपको दो केबल्स लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्टफोन के लिए अलग और आपके TWS के लिए अलग, कोई भी एक रहेगा आप उससे चार्ज कर पाओगे। देन उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, तो आपके ईयर को जो साइज पसंद आता हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं बाकी सारी चीजों की, कैसा लगा मुझे। वैसे सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो डिजाइन काफी अच्छी लगी मुझे, काफी कूल है, बेसिक सा डिजाइन है, ज्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की गई है, सिंपल डिजाइन है जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। एंड इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैग्स आपको नॉर्मल नेक बैंड्स में मिल जाते हैं, क्योंकि नेक बैंड्स में वायर होता है तो उसमें वो सब टैग डाल पाना इजी होता है उस स्पेस में, लेकिन TWS जो होता है काफी छोटा होता है आपको मालूम है, तो उसमें उतने सारे टैग डाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसीलिए छोटे स्पेस में काफी चीजें यूटिलाइज करनी पड़ती हैं। वैसे यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि काफी चीजें इसमें अच्छी दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग ENC की बात करेंगे, ऑब्वियसली नॉइस कैंसिलेशन सबसे बेस्ट दिया गया है इसमें, जो कि इस प्राइस में दे पाना 2500 में मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रांड देता होगा। अगर आपको देता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस प्राइस में कोई ENC अगर आपको देता हो तो। चलिए इसके साथ चिपसेट की बात करेंगे तो क्वालकॉम का इसमें SoC आता है। अब जैसे स्मार्टफोन में SoCs होते हैं वैसे इसमें भी आता है। अब इसके SoC की बात करें तो इसमें QCC 3040 दिया गया है। अब समझ लो 2500 में जैसे 18000 की प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट मिल जाए आज के टाइम में, वैसे है, मतलब अच्छी प्राइस पे अच्छा SoC यूज किया गया है। QCC 3040 जो है CVC 8.0 के साथ आता है, क्लियर वॉइस कैप्चरिंग CVC 8.0 के साथ आता है टेक्नोलॉजी के साथ, और ये ENC के साथ टोटल 25 डेसिबल्स तक के नॉइस को, जो फालतू की बाहर की नॉइस होती है ना, उसको ये कैंसिल करता है, एंड आपको क्लियर म्यूजिक या क्लियर ऑडियो प्रोवाइड करेगा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर नॉइस एंड ऑडियो के हिसाब से आप देखो, नॉइस कैंसिलेशन और ऑडियो के हिसाब से देखोगे तो काफी अच्छा है। इसके बाद ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं तो इसमें ब्लूटूथ 5.2 आता है, जिसका रेंज जो है दैट इज 10 मीटर, जो कि अप्रॉक्स 33 फीट के आसपास होता है। बज रहा है, जाओ धीरे धीरे दूर तक जाओ, जब बंद हो जाएगा तो बता देना। दिखा दूं आपको यहाँ से डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एंड यहाँ से नियर अबाउट वो जो ट्री है छोटा वाला वो 40 फीट के डिस्टेंस पे है। बज रहा है बीबी? हाँ। पीछे जाओ, रुक जाओ, ये डिस्टेंस जो है ना दैट इज़ 40 फीट, अराउंड 13 मीटर के आसपास का, यहाँ से लेके वहाँ तक का।
ठीक है, ये जो दो पिलर्स के बीच का डिफरेंस है ना, दैट इज नियर अबाउट 12-13 फीट है वो, तो दो तीन उधर है तो 36 ये हो जाता है उधर, प्लस ये 10 फीट का डिस्टेंस, ये 40 फीट से ऊपर गए हैं एंड स्टिल अभी भी बज रहा है, आप सुन सकते हो बज रहा है अभी भी। सो कवरेज काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अभी वॉल वॉल में जस्ट मैंने कहा कि 9 फीट का कभी कभी, सॉरी दैट 9 मीटर्स पे भी होता है प्रॉब्लम, तो हो जाता है कभी कभार। तो ब्लूटूथ 5.2 के साथ भी ये काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें IP44 की रेटिंग्स आती हैं जो कि वाटर, स्वेट और डस्ट रेजिस्टेंट है, तो अगर आप बारिश में भी जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिम में जा रहे हो काफी स्वेटिंग हो रही है तो भी कोई इशू नहीं आएगा, एंड डस्ट के भी इश्यूज इसमें आपको आने वाले नहीं है, एंड काफी अच्छी तरह चल जाता है तो कोई इश्यूज इसमें उसमें भी आपको आने वाले नहीं है दोस्तों। अब इसके बेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि mm के ड्राइवर्स होते क्या है, ये mm ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है, तो 13 mm मतलब साइज हो जाता है, एंड ये ड्राइवर्स जितने बड़े, अब जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक छोटे से TWS में सारी चीजें डाल पाना मुश्किल होता है, तो इसमें 13 mm का ड्राइवर डालना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, एंड सबसे बड़ी जैसे वूफर्स होती हैं, स्पीकर्स देखा आपने, जितने बड़े स्पीकर्स रहते हैं उतना ज्यादा बेस रहता है उनका, वैसे इसमें भी जितने बड़े बड़े ड्राइवर्स रहेंगे ना उतना ही तगड़ा बेस रहेगा, यानी धन 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 जो आवाज होती है ना वो काफी तगड़ी आपको देखने को मिलेगी इसमें, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं आएगा, वो भी एक अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है। इसके बाद इसमें 4 माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, पता है, एक TWS में दो और एक TWS में दो, वैसे दो माइक्रोफोन्स तो आपके नॉर्मल माइक्स हैं जो कि वॉइस कैप्चरिंग का काम करते हैं, एंड दो माइक्स जो हैं वो नॉइस कैंसिलेशन माइक्स हैं जो कि बाहर के आने वाले नॉइस को कैंसिल करते हैं और आपको क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियो प्रोवाइड करती हैं दोस्तों, तो वो एक प्लस पॉइंट है इनका, तो 4 माइक्स होना एक सबसे बड़ी बात है। वैसे उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे टैप एंड टच फीचर्स भी दिए हुए हैं, आप कितनी बार टैप करते हैं तो आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, साइड में मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा सारे फीचर्स वहां लिखे हुए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, यानी डबल टैप पे, ट्रिपल टैप पे, सिंगल टैप पे, लॉन्ग टच पे, कितना क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हो, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है इसमें, उनको भी आप अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो अलग अलग फीचर्स को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों। बात तो कर ली सारी चीजों की, लास्ट पॉइंट आता है कितनी देर चलता है। अब बैटरी काफी बड़ी दी गई है इसमें, आप समझ लीजिए कि एक चार्ज पे 32 hours तक नॉन स्टॉप आप इसके केस को चला सकते हैं, एंड 7 hours तक जो TWS है वो नॉन स्टॉप चलेगा, मतलब अगर TWS आपने एक बार चार्ज कर लिया है तो 2 movies तो आप इजीली निकाल लोगे, कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो चलने में भी कोई इशू नहीं है, मुझे तो अभी तक कोई इशू ऐसा आया नहीं देखने में कि मतलब आराम से यार 3 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी होती है, 5 घंटे आराम से निकल जाएंगे, एंड 7 hours का इसका प्लेबैक टाइम है TWS का, एंड 32 hours का इसके केस का, यानी 2 दिन तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि TWS पूरा दिन तो आप यूज करने वाले नहीं हो, ठीक है, आराम से 2 दिन निकल जाएगा, इश्यूज नहीं आएंगे सिंगल चार्ज पे। वैसे 32 hours का प्लेबैक टाइम है जो कि 1 दिन से 8 घंटे ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई पूरा दिन सुनता है क्या TWS? नहीं, तो भी अगर आप 12 घंटे 14 घंटे भी सुनते हो तो आराम से 2 दिन निकल जाएगा केस को एक बार चार्ज करने में, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बाकी सारी चीजें, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, मेरा रिव्यूज की बात करोगे तो मैं कहूंगा 2500 एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छे ऑप्शंस में से एक है, एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि ENC इस प्राइस पे दे पाना मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रांड देता होगा, कोई देता हो तो आप जरूर आके मुझे बताइए 2500 के प्राइस पे। वैसे 1 सितंबर को इसका पहला सेल है, जरूर जाके देखिएगा और बताइए आपको कैसा लगा, ये कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट रेंज खास नहीं करना है, साइड में देखो बैक टाइम है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।